जाओ ना ताकि आप एटलीस्ट इतने ऊपर हो जाओ. आप मम्मा के साथ खड़े रहोगे? ओके ठीक है. Hi everyone, I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो में Anaisha is also here. She wanted to say hi to everyone. Hi. So, in today's tutorial, we are going to decorate these kind of bottles. हम सबके घर में बहुत सारी होती हैं. Liquor bottle आप ले सकते हैं, plastic bottles आप ले सकते हैं और हम बहुत ही amazing DIYs बनाने वाले इन bottles से. And if you are new to our channel, do subscribe because you can learn a lot in this channel. So, without any further ado, let's begin the video. फर्स्ट DIY में मैं लेने वाली हूँ ये बॉटल. इसका शेप बहुत अच्छा है, एकदम स्क्वायर जैसा है चारों तरफ से, तो काफ़ी ब्यूटीफुली बन के आएगा. इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ क्ले आर्ट, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सा इंडियन स्टाइल. तो सबसे पहले हम शिल्पकार क्ले लेकर उसको दो उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो हमें मिक्स करना है अच्छे से. उनको मिक्स करने के बाद आपको फटाफट उसको लगा लेना है, नहीं तो वो ड्राई हो जाते हैं. फिर हम इसको स्टिक कर लेंगे कोई भी ग्लू से. थोड़ा सा अगर अच्छा एडहेसिव ग्लू रहेगा तो वो निकलेगा नहीं. तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न बना लिया है. एज यू कैन सी, पहले मैंने एक साइड पूरा लगाया है और फिर दूसरी साइड लगा के इसको मैंने ऊपर वाली क्ले लगा के इसको अच्छे से फिनिश कर लिया है. फिर हमें इसे कुछ अराउंड 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है और सूखने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेगा. फिर इसके ऊपर मैंने लगा लिया है जेसो. ये होममेड है. इसके अलावा आप नॉर्मल कोई भी वाइट कलर ले सकते हैं. बेसिकली हमें बेस को वाइट देना होता है ताकि हम इसके ऊपर जो भी कलर लगाए वो उसको अच्छे से स्टिक करें. ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है येलो. वो जो स्ट्राइप्स हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनको मैं एज इट इज़ वाइट ही रहने दूंगी. अंदर की तरफ येलो लगाएंगे और ऊपर और नीचे मैंने पीच कलर और येलो कलर को मिक्स करके ये बहुत ही सुंदर सा कलर बनाया है. सो वंस एवरीथिंग इज़ ड्राइड हम इसके ऊपर लगाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल से मिरर्स. दीज मिरर्स आर फ्रॉम क्राफ्टले कनेक्ट. काफ़ी अच्छा मोटा थिक वाला इसमें मिरर है. इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और मिरर लगाने से पहले मैंने एक स्टेप मिस आउट कर दिया आपको बताना, कि मैंने इसके ऊपर वार्निश अच्छे से लगा लिया था, फिर मैंने मिरर लगाया है. और फिर हम थोड़ा सा इसे पर्ल स्टिकर से और थोड़ा डेकोरेट करेंगे. जो इसका टॉप लिड है उसमें भी मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट किया है. काफ़ी क्लासी एंड ब्यूटीफुल ये बॉटल दिख रही है. नेक्स्ट वन के लिए मैंने ले ली है ये गोल्ड बॉटल. और जो इसके ऊपर ये स्टिकर होता है ना, ये बहुत ही अनोइंग है. इसके पीछे ये जो ग्लू होता है वो निकलता ही नहीं है. तो उसके लिए हमने क्या करना है, नेल पॉलिश रिमूवर लेना है थोड़ा सा और उसको आपको अच्छे से रब करना है. इट विल टेक टाइम बट येस इट विल गो एंड योर बॉटल इज़ गोइंग टू लुक दिस क्लीन. सो इसके बाद मैं इस पर ड्रॉ करूँगी. ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर स्केच पेन ले लिया है ताकि वो बाद में मैं उसे आराम से निकाल सकूँ. तो एक नॉर्मल सा एक लैम्प हम बनाएंगे, एक बेंच बनाएंगे और एक पेड़ बनाएंगे. तो ड्रॉ मैंने कर लिया है, बिल्कुल रफ ड्रॉ किया है. उसके बाद एक 3D कोन लाइनर की हेल्प से हम इसे हाईलाइट करेंगे. बहुत ही सुंदर बनने वाला है ये प्रोजेक्ट. तो इस तरह से धीरे धीरे आप डिज़ाइन बनाइए. बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है. 3D कोन लाइनर एज सच, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, सूखने के बाद आप उसको आराम से निकाल सकते हैं. स्पेशली जब हम ग्लास पे काम करते हैं ना, आराम से वो निकल भी जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा लैम्प हो जाता है रेडी. अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे मैंने ये जो लैम्प का ऊपर वाला पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया था, तो लास्ट में मैंने उसको फिर थोड़ा छोटा किया. तो मुझे ये 3D कोन लाइनर की काफ़ी अच्छी बात लगती है कि आप इसे आराम से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं. उसके बाद जो बेंच है उसको भी मैंने काफ़ी डिज़ाइनर प्यारा सा बनाया है. एज यू कैन सी, इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से हाईलाइट. तो एक बार हमारा लैम्प और बेंच बन जाता है, इसको आपको ड्राई होने के लिए छोड़ना है अराउंड 3-4 घंटे. फिर हम इसके पीछे जो स्केच पेन मार्क है उसको थोड़ा सा पानी स्प्रे करके निकाल देंगे. उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगी ये स्ट्रीट लाइट का जो ऊपर लैम्प है. ठीक है, तो उसमें कलर आप देखिए, जब हम लैम्प चलाते हैं तो क्या क्या कलर्स होते हैं. ऑरेंज होता है, येलो होता है, थोड़ा सा रेड होता है. तो उसी तरह से मैं ये ग्लास कलर लेके इसे हाईलाइट करूँगी. एक बार ये भी सूख जाता है फिर हम बनाएंगे स्नो. स्नो बनाते ही यू सी दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू लुक सो गुड. अब स्नो हमें कैसे बनाना है, यू हैव टू थिंक कि ऊपर से नीचे स्नो गिर रही है तो कहाँ कहाँ वो गिरेगी. ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आप सोचिए और उसके हिसाब से आप वहाँ वहाँ स्नो को गिरा दीजिए और बना दीजिए. तो एक बार हमने ये अच्छे से स्नो बना ली, उसके बाद मैं यहाँ पर एक पेड़ बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा खाली लग रहा था ये वाला एरिया.
तो पेड़ भी मैं 3D कोन लाइनर से ही बनाऊंगी। इस तरह से आप बनाइए, ब्रांचेस बनाइए। इसको अंदर फिल करने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लिया है, ये भी ग्लास कलर ही है। इसको एक बार सूखने दीजिए, फिर हम इसके ऊपर भी इस तरह से स्नो बना देंगे। और इसे थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ते बना दिए हैं हरे कलर के। थोड़ा सा बस हमें एक्रेलिक कलर लेकर इस तरह से आप डैप कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ फेरी लाइट्स, एंड दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल बॉटल इज गोइंग टू लुक। यू कैन डेकोरेट दिस बॉटल फॉर योर क्रिसमस डेकोरेशन। इट्स गोइंग टू गिव सो ब्यूटीफुल लुक टू योर होम। नेक्स्ट बॉटल हम टेक्सचर पेस्ट से डेकोरेट करेंगे। टेक्सचर पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। जब हम टेक्सचर पेस्ट बनाते हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इक्वल, ठीक है। वन स्पून हमें लेना है वाइट सीमेंट, उसके बाद ग्लू और उसके बाद वाइट कलर। तो ये तीनों को इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए। ये वाला टेक्सचर पेस्ट थोड़ा सा मोटा रहेगा। अगर आपको सुपर फाइन टेक्सचर पेस्ट बनाना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। वाइट सीमेंट के बजाय आप बेबी पाउडर कोई भी, या कोई भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। जो हम पाउडर यूज़ करते हैं डेली, वो वाला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने बॉटल ले ली, बॉटल के ऊपर मैंने जेसो लगा दिया है, बट यू डोंट हैव टू अप्लाई जेसो। तो एक बार हमारी विंडो बन जाती है, फिर मैं ये ब्रिक स्टेंसिल लेके साइड में ब्रिक्स भी बना लूँगी, और हमें इसे छोड़ना है अराउंड 3 से 4 घंटे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो एक बार हमारी बॉटल सूख जाती है, फिर हम इसके ऊपर करेंगे कलर। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेस में थोड़ा ब्राउन कलर लिया है। इस तरह से जब वो गीला है कलर, उसी वक्त मैंने एक कपड़ा लेकर जितने भी हमारी ब्रिक्स है उसको इस तरह से कलर हटा दिया है, तो वो हाईलाइट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा हमें रब नहीं करना है, नहीं तो हमारा नीचे वाला कलर भी निकल जाएगा। और थोड़े से ब्रिक्स को हम वाइट कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा बेस कुछ इस तरह से दिख रहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर कलर्स करेंगे। तो जो विंडो है उसको मैं कुछ पिंक पर्पलिश रेडिश टाइप का बनाने वाली हूँ। स्टार्ट मैंने इसको मरून से किया था, लेकिन एंड मैंने इसको पिंक से कर लिया, क्योंकि लास्ट में मुझे लगा कि पिंक ज़्यादा इसमें अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से विंडो वगैरह जो भी है आप हाईलाइट कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप कोई विंडो देखते हैं तो उसके बीच में गैप होता है, और इसी तरह से साइड का जो ब्रिक है उसको भी हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, और उसमें थोड़ा सा वाइट कलर लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको पिंक में कन्वर्ट कर दिया है, पिंक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और नीचे एक हम जिसमें हम प्लांट्स रखते हैं ना, वो वाला हम यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लेंगे, और इसके ऊपर छोटे छोटे से प्लांट्स बना लेंगे। प्लांट बनाना इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। हमें बस इस तरह से 0 नंबर का ब्रश या 2 नंबर का ब्रश लेके थोड़े से ऊपर इस तरह से ग्रास बनाने हैं और फ्लावर बनाने हैं। अलग अलग कलर के आप फ्लावर्स बना सकते हैं, और बीच में एक डॉट दे दीजिए ताकि वो फ्लावर फिनिश लगे। अब यहाँ पर मैं एक पेड़ बनाऊंगी। वो पेड़ बनाते यू सी द डिफरेंस। अभी सिर्फ इसमें एक विंडो थी, तो विंडो से इतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था, बट द मोमेंट मैंने इसमें ट्री बनाया, इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ट्री आप इस तरह से बनाइए। अलग अलग 2-3 ब्राउन कलर्स हमें लेने हैं यहाँ पर, और फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम वाले फ्लावर। तो ये फ्लावर बनाना इज ऑल्सो सुपर सिंपल एंड ईजी। एज यू कैन सी, मैंने सेंटर में ब्रश रखा है और बाहर की तरफ मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। तो बस हमें इसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे बना देने हैं। थोड़ा सा वाइट कलर ले लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लीजिए, एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ये नज़र आ रहा है। इसको हमने पूरा फ्लावर से फिल कर दिया है, और इसके बाद हम इसके ऊपर ये 3D कोन लाइनर से जो बीच वाला पार्ट है उसको हाईलाइट कर देंगे। उसको लगाते ही तो ये फ्लावर बिल्कुल रियल वाला लुक दे रहा है। एंड लास्ट में मैं इसके ऊपर वार्निश लगा के इसको अच्छे से सील कर लूँगी। एंड यू कैन ऑल्सो डेकोरेट योर ओल्ड बॉटल्स इन टू दीज ब्यूटिफुल क्लासिक पीस फॉर योर होम। नेक्स्ट वन के लिए हम करने वाले हैं डेकोपाज, माय फेवरेट वर्क। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया है इसका लेबल। उस लेबल को भी मैंने अच्छे से निकाल विकाल के, और अगर आप नहीं भी निकालोगे ना, ट्रांसपेरेंट काम में हमें निकालना होता है, इसमें नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, बिकॉज एज सच हम इसके ऊपर जेसो और फिर दुनिया भर के इतने सारे कोट्स लगाने वाले हैं, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो एक बार हमने इसके ऊपर जेसो लगा लिया, फिर हम डैबर की हेल्प से सारे के सारे जितने ब्रश मार्क्स है वो निकाल लेंगे। और एक और लेयर में देने वाली हूँ वाइट एक्रेलिक कलर का, ताकि जो बेस हमारा
एकदम क्रिस्टल क्लियर वाइट बन जाए। ठीक है, फिर मैं लेने वाली हूँ ये बहुत ही सुंदर सा डेकोपाज पेपर, डेकोपाज नैपकिन पेपर, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। और ये थोड़ा सा गर्ल्स के रूम में, यू नो, आपकी अगर आप वीडियोस बनाते हैं मेकअप से रिलेटेड, इट्स गोना गिव ब्यूटीफुल लुक टू योर रूम। तो इस तरह से सबसे पहले जो हमारा डेकोपाज पेपर है उसके पीछे जो पेपर्स होते हैं एक्स्ट्रा टू लेयर्स, वो हमने निकाल दिए हैं एंड धीरे धीरे आप इसे स्टिक कीजिए। नाउ हियर्स अ ट्रिक, क्योंकि इस वाले पेपर में ऊपर की तरफ लाइंस जा रही हैं, राइट? तो वो हम किस तरह से स्टिक करेंगे, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल इफ़ यू आर वर्किंग विद समथिंग लाइक दिस। सो वट आई हैव डन हियर इज, धीरे से मैंने जितनी भी लाइन्स हैं, सेंटर वाली लाइन मैंने मेन फोकस रखा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और साइड वालों को इस तरह से स्टिक कर लिया है। यू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पर हमारा वर्क मेसी ना हो। बहुत ही धीरे से अगर आपको कुछ लगता है एक्स्ट्रा पेपर है, कुछ है, तो वो आप कट कर लीजिए। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्रूशल है। इफ़ यू कैन डू इट सिंपली, दो तीन ब्रशेज लेकर, और बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है। देन यू ड्राई इट विद एनी हेयर ड्रायर यू हैव एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। और अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा और फिनिश। एज सच यू कैन सी नीचे ब्लू कलर है, तो उसी से हम इसके टॉप को हाईलाइट करेंगे। एक बार ऊपर और नीचे हम इसे अच्छे से कलर कर लेते हैं, और हमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है बिकॉज एज सच दिस डेकोपाज पेपर इज सो क्लासी, हमें इस पर कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। साइड में नीचे थोड़ा सा और इसको फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ कलर लगा लिया है, सेम ही कलर है ये, और फिर इसको सील करने के लिए मैंने लगा लिया है इसके ऊपर वार्निश। वंस दैट इज़ डन, अब आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर एक जूट रोप बांध दिया है, साथ में मेरे पास एक क्यूट सा एक एम्बेलिशमेंट था, वही मैंने ऊपर लगा दिया है, और बीच में मेरे पास एक पर्ल की माला थी तो मैंने वो लगा दिया है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आप किस तरह से इस बॉटल को डेकोरेट करना चाहते हैं और कहाँ रखना चाहते हैं। सो या दैट इज़ इट, इसी तरह से मैंने ये चार बॉटल्स बनाई हैं। डू लेट मी नो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी वाली है, और इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो यू नो बाई दी स्टफ्स। So that is it for today's tutorial. I hope aapko aaj ka video pasand aaya hoga. If you like it, please give it a thumbs up and do let me know which one you like the most. Kaun sa design aapko sabse zyada acha laga aur kaun sa design aap banane wale hain. If you make, do share the pictures with me. I would love to see your work as well. So milte hain fir meri agli video mein. Till then take care and see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. We'll meet you on next time too. You want to come next time? Subscribe and like. Don't forget to like. So that is it for today's tutorial. I hope you Ivan, what is this? Doggy. Bye bye. Tata. 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 On the road with a couple of